Hayır! Sürgün sürgün! Hayır! Hayır! Sürgün dokuz sürgün! Hayır! Hayır! Çoğur sürgün! Hayır! Hayır! Dokuz sürgün! Hayır! Hayır! Sırapin sürgün! Hayır! Hayır! Çoğur sürgün! Hayır! Hayır! Dokuz sürgün! Hayır! 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 प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस आज जम्मू में सड़कों पर है और ये आप देख सकते हैं इस समय की रेजिडेंसी रोड से तस्वीरें हैं। यहाँ पर पुलिस का बड़ा अमला इस समय यहाँ पर मौजूद है ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस प्रोटेस्ट को आज यहीं पर जो है वो नाकाम किया जा सके। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ सड़कों पर आए हैं और ये मांग यहाँ पर की जा रही है कि आम लोगों की कमर तोड़ने का काम जो है वो झूठी इंतजामिया ना करे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लगा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो इस टैक्स को प्रॉपर्टी टैक्स को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर लोग गुरूब है और ये जो फिक्रें दी जा रही है अरजीत साहब की तरफ से और अरजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों को गुमराह किया जा रहा है और ये कहते कि टैक्स जो है 40% में लगेगा, ये गलत है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर अर्बन जो लोग हैं 90% लोग इसमें कवर हो रहे हैं। ये जो टैक्स लग रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के सरकार ने कहा था कि एक राशि एक टैक्स, आज जम्मू कश्मीर के अंदर ये टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? इससे साबित हो रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार बैंकरप्ट हो गई है, पैसे की शॉर्टेज हो गई है, फंड नहीं है इनको। अगर फंड और जो जो फंड आए थे जो कलेक्ट टैक्स किया जा रहा था जो जीएसटी टैक्स किया जा रहा था कि किस तरह का गुस्सा इस समय यहाँ पर लोगों के बीच यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रशीदा जी क्या लगता है कि यहाँ जो है स्मार्ट सिटी बन गया है? देखिए अभी तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है, जब लगेगा हम जरूर बोलेंगे, लेकिन जो ये एलजी सरकार जो सोच नहीं रही है कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स इधर से कम, इस वक्त हमारी आवाज है प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, और हमारी यहाँ की कुछ गरीब जनता ज्यादातर गरीब लोग हैं जिनको दो वक्त की रोटी नहीं नसीब होती, मुझे नहीं लगता कि वो टैक्स दे सकते हैं। एलजी साहब ने बोला मोबाइल ले सकते हो, आप पिक्चर देख सकते हो, आप घूम सकते हो, आप पेट्रोल डाल सकते हो, लेकिन उन बातों से गरीबी का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं, वास्ता नहीं है। पास अगर आपके पास आईफोन है तो फिर आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देते। देखिए अंजी साहब ये भी गलत कह रहे हैं, आईफोन सिर्फ 3% लोग साल का खरीदते हैं। एक पास आईफोन देखिए एक किसी के पास 1% लोगों के पास आईफोन है, जाके देखिए साल में 3% लोग आईफोन खरीदते हैं, उसके बेच पे आप लगा रहे हैं। हमारा कहना यह है कि असेंबली के इलेक्शन करवाइए, अगले असेंबली के इलेक्शन करवाए, जो हमारे नुमाइंदा चुनके जाएंगे ये उनका हक है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए या नहीं लग सकना। इस महंगाई में जब कीमतें आसमान छू रही है, अनएम्प्लॉयमेंट 24% है, लोग कहाँ से देंगे? आपके बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, ये सरकार को जो है वापस लीजिए ये टैक्स। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा इस समय जम्मू में जो है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय इस पर जरूर दें कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या कुछ कहना है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।